बढ़िया बढ़िया ऐसे ऐसे सही है। अच्छा तीर को नहीं पकड़ना, तीर को नहीं पकड़ना, थोड़ी ऊपर करो उंगली। अच्छा तीर को नहीं पकड़ना, थोड़ी सी तीर को नहीं पकड़ना, ऊपर करो उंगली। खींचो बताओ पहले कितना का, फिर उस हिसाब से मैं साइड सेट करूंगा आपको। कितना खींच लोगे, छोड़ना नहीं, आंख बंद छोड़ना नहीं, खींचो कितना खींच लो। बस बस बहुत है यार, ठीक लग रहा है। अब ना ये आंख बंद करके इस आंख कर रखी है मैंने बंद, ये सामने पीड़ा देखो, खींचो खींचो जितना खींच सकते हो। अरे वाह आ गया, क्या पीला आ रहा है नीले में, चार नंबर डाउन दे दिया। मौसम खराब हो रहा है, मौसम मौसम ये परफेक्ट पोजीशन। वाह यार आप तो मेरे से आउट हो गए, देखिए ना एक और तो चलो आपके यार लाल पे लगेगा, लाल पे पीला तो कह नहीं सकता, लाल पे लगेगा, मुंह चढ़ेगी बीच में। क्या बात तो ये कुछ था आज का दिन हमारा सुबह का, जो कि हम लोग आए थे गोपीराम जी के स्कूल में, और बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है यहाँ पे सर। सच में ये मतलब इतने खतरनाक है, कितने 30 मीटर से था ना वो, 30 मीटर 50 मीटर वाला था, वहाँ से भी ये तीरंदाजी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। और ये मुझे फर्स्ट टाइम मौका मिला फ्लैग होस्टिंग का और गेस्ट बनने का सर की वजह से, थैंक यू सो मच सर। और बहुत ज़्यादा यहाँ पे अप्रिशिएट किया गया जो काम कर रहे हैं हम लोग उसके लिए। और अभी मौसम थोड़ा सा बदल रहा है, बहुत ज़्यादा बदल रहा है, बहुत तेज बारिश होगी शायद। देखो कॉटन का खेत यहाँ में, राजस्थान में भी कॉटन ज़्यादा होता है ना। हाँ ये देखो ये गिल्ली कॉटन है, ये सूखेगा तब ये अच्छे से बनेगा। ये देखो अतुल भाई, ये देखो रेशे तो ऐसे खिल जाएगा। इसको नरमा बोल दो, नरमा नरमा बोल दो, कपास बोल दो। अच्छा नरमा और कपास में फर्क क्या है कि इसके जो नरमे के पत्ते हैं थोड़े से बड़े बड़े होते हैं। अच्छा कपास के पत्ते जो होते हैं वो पतले पतले होते हैं, बारीक बारीक से। अच्छा और के भी हैं नजदीक, हाँ और अच्छी है ना कपास मानी जाती है। नहीं ये कपास नहीं है, उसकी जो है ना वो पत्ता थोड़ा पत्ता सुंदर होता है और इसका फ्लावर भी सुंदर होता है और उसके जो कपड़े होते हैं। हाँ हाँ ये भाई है कपास का भाई, नहीं भाई है, भाई है ये, भाई है वो बहन है, वो कपास बहन है। इसमें बीज होते हैं? हाँ बीज है। इसको क्या बोलती है बीज को आप? बिनोला, बिनोला सर की बोलते हैं, तेल निकालते ना, तेल निकालते हैं सर की का तेल। इसको आप खाने में यूज करते हैं या किस में? इसमें जो ये पशुओं के लिए, इसके बाद में ना इसको पशुओं के लिए भी मतलब देते हैं। इसका घी भी तैयार होता है, घी भी, डालडा घी भी तैयार, डालडा घी बनता है तेल। हाँ ये देखो और इसको ना, देखो तुरंत मौसम कैसे बदल गया है और काफी तेज हवा चलने लगी है। ये है ज्वार के खेत और पीछे कपास के खेत, और जिनका खेत है इनका, इनका दुकान भी है। और देखो हम लोग सिर्फ खेत देखने गए थे, उन्होंने ये भी पिला दिया फ्री में, वो भी फ्री में। ये होता है मतलब राजस्थान का आओ भगत पधारो मारो देश, सच में। हाँ देखो थोड़ी देर में कितनी धुआंधार बारिश शुरू हो गई है, कुछ भी नहीं दिख रहा आगे, बाइकर भी खड़े हैं, देखो बाइकर खड़े हैं, दिख नहीं रहा। चचा चचा फंस गए अंदर ही, आगे जाए तो थोड़ा सा शटर मिल जाए। हाँ ये क्या है, ये राइट लेफ्ट में क्या है, ये धान है ना, धान का ये है ना, घास गेहूं, गेहूं गेहूं का है, गेहूं को निकालने के बाद उसका वो भूसा बच जाता है ना, वेस्ट जो। अच्छा अच्छा फराली ना, ये भट्टे ईंट भट्टे के अंदर ना। अच्छा अच्छा दबा के ईंटें बनाई जाती है। अच्छा ईंटें बनती है इसकी? हाँ ईंटें, इसकी नहीं, इसे वो टेम्परेचर देते हैं। अच्छा अच्छा इसे जलाते हैं, जलाते हैं। ये देखो राजस्थान की बारिश, ये जो है ये है भारतमाला प्रोजेक्ट, भारतमाला प्रोजेक्ट जो कि जामनगर से होते हुए अमृतसर तक जाता है। ये हाईवे एक्चुअली एक्सप्रेसवे बनाया गया है और काफ़ी सुंदर है। और भारतमाला मतलब नाम से ही आप समझ सकते हो कि अमृतसर से लेकर कैसे ये रास्ता बनेगा शायद वाराणसी तक का। तो
देखते हैं इसका रूट कैसा होगा ना, मैं आपको बताऊंगा कभी। ये रहा पीछे, भविष्य में इसी रोड पे आएगा। हाँ भविष्य में इसी रोड से आएंगे। हाँ। भारत माला प्रोजेक्ट तो बहुत फेमस था ये प्रोजेक्ट एक्चुअली, और सारी देन अपने नितिन गडकरी जी की है। कोई इस रोड से आए तो भारतमाला रोड से आए तो हनुमानगढ़ जिले में चुटाला आता है, चुटाला के पास कोई भी आके अपना मैसेज कर सकता है, मैं उनको लेने आता हूँ। बस बस बस, थैंक यू। तो ये है गोपीराम जी का घर। और ये देखो, ये भी वही है, और यहाँ पे दाढ़ी में देखो कितना हैंडसम दिख रहा है। ये एक्चुअली उनका खज्जर का ये फोटो है, और सारे घर में इनके फोटो लगे हुए। मैं आपको इनका एक जो अचीवमेंट है, बिग अचीवमेंट, वो दिखाता हूँ। इन्होंने अपनी नैनो कार से लद्दाख का ट्रिप किया था 2022 में, और उसके लिए ये देखो फैमिली के साथ में लद्दाख ट्रिप, और इसी नैनो से किया था। तो इनका एक जो वीडियो था किसी बंदे ने यूट्यूब पे डाल दिया था, तो वो काफ़ी वायरल हुआ था, और तब इनको पता भी नहीं था कि इस तरह से कर सकते हैं यूट्यूब पे। देखो कितना डेरिंग है इस चीज़ के लिए कि छोटी सी नैनो कार ले लद्दाख लेके जाना, और वो भी पूरा लद्दाख का सर्कल करके वो वापस आए थे। तो डेरिंग तो है, और मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, तो आज यहीं पे रुकूंगा मैं, सुबह यहाँ से निकलूँगा घर के लिए। चलो ये वीडियो यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।